गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि मेरा नाम दिनेश श्रीवास्तव है और अपन क्या पढ़ रहे थे, समकालीन भारत फर्स्ट आपकी बुक है एसएसटी, उसमें अपन ने भारत का आकार एवं अवस्थिति पहला चैप्टर उठाया है और ज्योग्राफी का चैप्टर है। इसमें अपन ने यह भी चर्चा कर ली थी कि भारत की स्थिति देशांतर अक्षांशों के हिसाब से, भारत में कर्क रेखा के बारे में भी पढ़ लिया था, कितने राज्यों से निकली है, भारत का मानक समय क्या है, ये भी अपन ने चर्चा कर ली थी इस चैप्टर में। आज अपन कुछ इस भारत के आस पड़ोस में कौन कौन से देश है इसकी अपन ने लंबाई चौड़ाई की भी चर्चा कर ली थी इससे पहले वाले लेक्चरों में। आज अपन देखेंगे कि भारत में जो दिख रहा है आपको ये मैप, भारत में कौन से पड़ोसी राष्ट्र भारत से सीमा साझा करते हैं या सीमा बनाते हैं, भारत से जो विदेशी राष्ट्र है वो कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं, किस किस दिशा में लगे हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपन, देखें जैसे कि आपको भारत दिख रहा है चतुष्कोणीय संरचना वाला है, कैसी चतुष्कोणीय, इसमें जो नीचे वाला अपन ने क्या बोला था उस टाइम, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, और प्रायद्वीपीय भारत का मतलब होता है प्रायद्वीपीय भारत का मतलब होता है ऐसा, प्रायद्वीप का मतलब समझे, भारत का मतलब तो भारत ही है अपना, ठीक है। अब बात करते हैं प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो कहां हो, तीन ओर जल से लगा हो, और एक ओर कहां से लगा हो, स्थल से, ये भी जल है, नीचे भी जल है और इधर भी जल है, और जी आ जाएगा इधर ऊपर आ जाएगा, यहां से अलग देख इतने इतने वाले भाग की बात कर रहे हैं, नीचे इधर भी जल है, इधर भी जल है और नीचे भी जल है, इधर का अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है, मतलब तीन ओर से जल से घिरा है और एक ओर कहां से लगा है, स्थल से लगा है, उस वाले क्षेत्र को बोलते हैं अपन प्रायद्वीपीय भारत। मतलब प्रायद्वीपीय भारत की क्या डेफिनेशन होगी, प्रायद्वीपीय मतलब क्या होगी, प्रायद्वीपीय ऐसा क्षेत्र होता है जो तीन ओर जल से लगा हो और एक ओर कहां से लगा हो, स्थल से लगा हो, उस वाले क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या है, जिन नीचे साउथ वाला, दक्षिण जो भारत है उसका एक और नाम क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। अब देखो भारत से कौन कौन से देश पड़ोसी देश सीमा साझा करते हैं, यहां से गिनना शुरू करते हैं अपन। देखो ये साइड जो रहा अपना गुजरात, गुजरात से लगा है पाकिस्तान, ठीक है, राजस्थान से भी लगा है पाकिस्तान, पंजाब से भी लगा है, मतलब ये वाला क्षेत्र क्या है अपना पाकिस्तान, ठीक है, एक पाकिस्तान अपने भारत से क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है, मतलब एक पड़ोसी मुल्क क्या हो गया अपना भारत से सीमा साझा करने वाला पाकिस्तान। दूसरा क्या है, अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान जो लगता है अपना, या अब तो सीमा साझा नहीं करता, पीओके सुना होगा आपने, पीओके पाक अधिकृत कश्मीर से सीमा साझा करता था, अफगानिस्तान में सीधा था सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद चीन, ये वाला क्षेत्र क्या है, चीन सीधा सीमा साझा करेगा यहां से और जे इस वाले क्षेत्र में, जिस चीन भी हो गया, जे नेपाल, नेपाल भी सीमा साझा कर रहा है भारत के साथ, जे भूटान, भूटान भी सीमा साझा कर रहा है भारत के साथ, और जे हो जाएगा बांग्लादेश। इसके बाद यहां क्या है अपना, म्यांमार, नागालैंड, त्रिपुरा से, मिजोरम से पास में लगा हुआ ये राष्ट्र कौन सा है, म्यांमार। स्थलीय सीमा से कौन कौन से लगे अपने, पाकिस्तान, भारत की सीमा से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अपने मैप में उठा के देख लेना, बेसिक बेसिक जानकारी है भारत की, बहुत आसान है, मैप से पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ऐसे आप इसको क्रम से याद रख सकते हैं, ये क्या है, भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए देश हैं।
स्थलीय सीमा से लगे देश, स्थलीय से पहला पाकिस्तान, यहां से गिनना शुरू करते हैं पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरी बात करते हैं अपन चीन, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, चौथा क्या है नेपाल, जराम नेपाल, इसके बाद भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद यहां देखो म्यांमार दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, ये भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश, ठीक है, आप पड़ोसी देश तो हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है, साजिश पाकिस्तान भी कर रहा है अपने से सीमा साझा, तो नेपाल भी कर रहा है, भूटान भी कर रहा है भारत के साथ, बांग्लादेश भी कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा एक क्रम में आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन एक ट्रिक ले लेते हैं अपन इसके माध्यम से पढ़ने के लिए आसानी होगी आपके लिए, इस ट्रिक के माध्यम से आप जो सबसे कम सीमा साझा करता है और सबसे अधिकतम करता है उसकी आप निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, इसके लिए बासे आ जाएगा अपना बांग्लादेश, सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है भारत के साथ 4096 के समथिंग, वो क्या है बांग्लादेश, चार से क्या हो जाएगा चीन, बासे हो जाएगा पाकिस्तान, और ना से हो जाएगा नेपाल, एम से हो जाएगा अपना, एम से बढ़ गया है म्यांमार, म्यांमार के बाद क्या बचा आपके पास भूटान, और ए फोर क्या हो जाएगा अफगानिस्तान, तो आप इसको रख सकते हैं इस बचपन में एमबीए किया, इस ट्रिक के माध्यम से आप ये जो पड़ोसी देश है भारत के साथ जो सीमा साझा करते हैं सबसे अधिकतम, इसके बाद और सबसे कम कौन सीमा साझा करता है, सबसे कम सीमा कौन बनाता है स्थलीय सीमा में, वो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं, और ये मैप के सहारे से याद रखें तो वो भी आप देख लें, यहां से देशों को गिनना है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं इसको, मैप यदि आपको याद हो गया तो आप इन दोनों को ऑटोमेटिक आपके हाथ पहुंचने लगेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये आरोही अवरोही क्रम में नहीं हुआ, लेकिन यदि सबसे ज्यादा पूछे तो बांग्लादेश और सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान, ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरे जो सीमा साझा करते हैं भारत के पड़ोसी देश वो इस ट्रिक के माध्यम से आपने निकाल लिया, बी फोर बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, सबसे कम कौन सही साझा करता है अफगानिस्तान, और सबसे ज्यादा कौन करता है बांग्लादेश, अब बात कर लेते हैं कि जलीय सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं भारत के साथ, जल यहां से जलीय सीमा से कौन कौन से देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, देखो जलीय सीमा का मतलब क्या है, जल से ही लगे हैं, भारत में जल यही है, जिधर दिख रहा होगा आपको इधर भरा है जल और ये नीचे भरा है जल, देखो यहां क्या है
गुजरात ये पाकिस्तान आ जाएगा वर्ल्ड के मैप में देखें अपन। ये पाकिस्तान दिख रहा होगा भारत के साथ सीमा साझा कर रहा है। पाकिस्तान हो गया ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है यहां देखो बांग्लादेश जल से भी लगा है और थल से भी लगा है जलीय सीमा होगी भारत की। दूसरा क्या हो जाएगा बांग्लादेश। तीसरा देखो जे रहा म्यांमार। म्यांमार अपने कहां से लगा है जल से भी लगा है और थल से भी लगा है तो क्या हो जाएगा ये म्यांमार। इधर देखो नीचे क्या है श्रीलंका। श्रीलंका भी क्या है जलीय सीमा से लगा है भारत के। अब जरा इस वाले मैप में देखो जे रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसा कि आप इस वाले मैप में देख पा रहे होंगे। अब जरा इस वाले मैप की नजर मारें आप देखो जे है भारत भारत के जे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां भी कुछ जलीय सीमा होगी कुछ अपने देश अपने आस पड़ोस में जलीय सीमा बना के रखता है संसाधनों की जितनी वहां संसाधन मिलते हैं हमें। अब जी यहाँ है थाईलैंड जो दिख रहा होगा तो थाईलैंड भी क्या बना रहा है भारत के साथ जलीय सीमा बना रहा है। थाईलैंड हो गया। जरा अब एक बार और देखें इसी मैप में आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आपको पास में दिख रहा होगा इंडोनेशिया द्वीप समूह जो यहाँ छोटे छोटे द्वीप हैं आपके वर्ल्ड मैप में देखना आप अपने घर पे और अच्छे से दिख जाएगा। तो कौन सा है इंडोनेशिया। इन्हें काउंट करो एक दो तीन चार पांच छह ठीक है। अब और देखो इसमें और क्या जलीय सीमा से लगे हैं अपने यहां है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप में आपको दिख रहा होगा मालदीव। यहां पड़ेगा मालदीव लक्षद्वीप के साथ ही सीमा साझा करता है एक आप वो भी ध्यान आपके मैप में सही दिख जाएगा मालदीव। ऐसे सात जो राज्य देश हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं जलीय सीमा बनाते हैं। स्थलीय सीमा को देख लिया जलीय सीमा को देख लिया। कुछ ऐसे राष्ट्र भी हैं ऐसे देश भी हैं जो जल से भी लगे हैं और थल से भी लगे हैं जैसे कि अपन ने ध्यान मुकस कर रहे थे कुछ जल से भी लगे थे और थल से भी लगे थे। पाकिस्तान की बात करें अभी अपन ने उसमें भी पढ़ लिया स्थलीय सीमा में और यहां भी पढ़ रहा है उसके लिए। म्यांमार जल में भी पढ़ा अपन ने और थल में भी पढ़ लिया। अगला क्या होगा अगला आपको इसी में ढूंढो बांग्लादेश। जल से भी लगा है भारत के और स्थल से भी लगा है मतलब तीन ऐसे हैं जो जल से भी लगे हैं और थल से भी लगे हैं जल एवं स्थल। दोनों से सीधा सीमा साझा करते हैं वो है पाकिस्तान बांग्लादेश म्यांमार। तीन ऐसे हैं जो जल से भी सीमा साझा करते हैं भारत के साथ और स्थल से भी सीमा साझा करते हैं।
अब भारत के कुछ राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं। एक मिनट, तो राज्यों को शुरू से गिन लेते हैं अपन। हिमाचल प्रदेश जैसा आपको दिख रहा होगा, ये सब अलग अलग कलर में दिख रहा है जो क्या है, राज्य है। पहले राज्य कितने थे? 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब जम्मू कश्मीर क्या बन गया? दो भागों में बट गया, आप सबको पता है, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तो 28 राज्य बचे और क्या होगा? 9 केंद्र शासित प्रदेश होगा। ये भी आप इसकी हल्की सी जानकारी आप ध्यान रखें, बाकी चैप्टर्स में आपको भारत की लोकेशन में कुछ ध्यान नहीं रखना, बस यही चीजें हैं जो रखना है। एक मिनट, और आपको जो बात खटकेगी वो और देख लो। देखो, भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा, इससे पहले अपने वाली वीडियो में देखा था, लेकिन एशिया महाद्वीप के किस में आता है? भारत दक्षिण भाग में आता है। देखो, एशिया तो ये पूरा है, ये दिख रहा होगा, लेकिन भारत की स्थिति कहाँ है? दक्षिण में, मतलब भारत दक्षिण एशिया का हिस्सा है। राज्य भी ध्यान रखना, 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश होगा वर्तमान में। और जो कुछ जलीय सीमा, स्थलीय सीमा को आप बात रखें, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है, ये भी आपको याद रखना होगा। इसमें ये इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं अपन अरब सागर, इधर बोलते हैं बंगाल खाड़ी, और ये नीचे जो है हिंद महासागर है भारत के। इसके बाद अपने चैप्टर खत्म होता है, अगला कोई और दूसरा चैप्टर लेंगे, इससे आगे अपन जब और भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिमालय वगैरह पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे चैप्टर अपना फिनिश होता है, इस चैप्टर में अपन को इतना ही पढ़ना था, ये चैप्टर कंप्लीट होता है अपना।